एसएससी की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं में धांधली के आरोप में लगातार परीक्षार्थी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी छात्रों के गुस्से का सामना करना पड़ा। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी, जिसके जवाब में गुस्साए छात्रों ने सरकार पर परीक्षार्थियों की आवाज को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। फेसबुक पर अमन आर्या ने लिखा कि एसएससी के करप्शन के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। तो वही सुशील केसरी ने एसएससी में कथित गड़बड़ियों की तुलना व्यापम घोटाले से कर दी। छात्र 21 फरवरी को सीजीएल 2017 की टीयर 2 परीक्षा में पेपर लीक की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। सरकार और एसएससी के तमाम आश्वासनों के बाद भी होली वाले दिन दिल्ली में एसएससी के दफ्तर के बाहर हजारों कैंडिडेट डटे रहे। इक्कीस तारीख वाले पेपर वाले दिन इनका 9:30 बजे कहीं पेपर शुरू हो जाता है, जबकि टाइम होता है 10:30 बजे। 10:30 बजे से पहले ही उस पेपर की आंसर की आ जाती है सोशल मीडिया पे, उसके स्क्रीनशॉट वायरल हो जाते हैं। इन्होंने आज तक कुछ माना नहीं, जबकि पूरा कॉन्क्रीट इविडेंस दिया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि कॉन्क्रीट इविडेंस, अब आपके सामने पूरा क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन पेपर हुआ है, उसका आपके सामने पूरा दिया जा रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आए थे और कैसे आए ये आपके। खबरों के मुताबिक छात्रों की इस प्रदर्शन को अब अन्ना हजारे का भी समर्थन मिल गया है। अन्ना हजारे ने सरकार से छात्रों से जुड़े इस मामले को जल्दी हल करने की अपील की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कथित घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। मामले में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और एसएससी चेयरमैन असीम खुराना ने छात्रों की तरफ से उठाए गए मसले की प्रारंभिक जांच सीएफएसएल और फिर सीबीआई से कराने का आश्वासन दिया है। एसएससी ने शुरुआती जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद ही आगे की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की बात कही है, लेकिन सरकार और एसएससी के आश्वासन का छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ा। छात्रों का कहना है कि सरकार मामले की सीधे जांच कराने की बजाय उलझाने में लगी हुई है। स्क्रीनशॉट सारी सोशल मीडिया पे हर एक साइटों पे है और हमने इसके एविडेंस इनको एसएससी को भी दे दिया विद हार्ड कॉपी। सीबीआई की जांच क्यों नहीं करा रहे? जब छोटे किसी पे रेड मारनी है तो तब सीबीआई भेज देते, तब ईडी भेज देते। अब मोदी जी क्यों नहीं कह रहे कि सीबीआई की जांच होगी? हर एक चीज के लिए सीबीआई को आगे अड़ाते, पर इसमें सीबीआई क्यों नहीं अड़ाते? परीक्षार्थियों का आरोप है कि सीजीएल ही नहीं एसएससी की बाकी परीक्षाओं में भी जमकर धांधली हो रही है, जिससे उनका भविष्य अधर में पड़ गया है। बीते 21 फरवरी को सीजीएल टीयर 2 की परीक्षा के दौरान कई परीक्षार्थियों का आरोप है कि उन्हें परीक्षा के बीच में से ही उठा दिया गया। एसएससी ने छात्रों को परीक्षा देने से रोकने का कारण टेक्निकल ग्लिच बताया, जिसके बाद लाखों परीक्षार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। अपने सहयोगी संगीत कुमार के साथ योगेश सोमकुंवर, लोकमत न्यूज.इन।